Press the bell icon from your YouTube app and never miss any update from MJ Infotainment. नमस्कार दोस्तों, किसी भी शो में चार चांद लगाने का जो काम करते हैं वो होते हैं चाइल्ड एक्टर्स। पिछले 10 से 15 सालों में हमने ऐसे कई माइथोलॉजिकल शोज देखे जहां कई नन्हे बाल कलाकारों ने अपने शानदार अभिनय से हमारे दिलों को जीता। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे उन खूबसूरत यंग एक्ट्रेसेस के बारे में जो एज अ चाइल्ड एक्ट्रेस कई हिट माइथोलॉजिकल शोज का हिस्सा रह चुकी। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं कलर्स टीवी के शो जय श्री कृष्णा से। शो के नन्हे राधा कृष्ण तो आपको याद ही होंगे, जिनके शानदार अभिनय और मासूमियत ने उस समय दर्शकों के दिलों को बखूबी जीता था। आज ये दोनों ही बाल कलाकार बड़ी हो गई है, जहां बाल कृष्णा के किरदार को चाइल्ड एक्ट्रेस धृति भाटिया ने निभाया था, जो कि अब एक टीनएजर है और फिलहाल टीवी इंडस्ट्री में ज़्यादा एक्टिव नहीं है, लेकिन वो आज भी बेहद ही क्यूट और प्यारी लगती है। वही बात करें शो में राधा के बाल रूप को दर्शाने वाली एक्ट्रेस की, जिनका नाम है वृति वघानी, जो कि अब बेहद ही खूबसूरत और यंग हो चुकी है। वृति को एज अ टीन एक्ट्रेस हमने मूवी मर्दानी 2 में देखा और उसके बाद हाल ही में हमने वेब सीरीज आर्या में भी उन्हें एज अ यंग एक्ट्रेस के तौर पे देखा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं स्टार प्लस के सुपरहिट शो सिया के राम की लीडिंग चाइल्ड एक्ट्रेस की, जहां हमने अनन्या अग्रवाल को देवी सीता के बाल रूप में देखा। शो में उनकी क्यूटनेस और मासूम सी एक्टिंग ने सभी के दिलों को जीता, जिन्हें बाद में रिप्लेस किया था एक्ट्रेस मदिराक्षी मुंडले ने। अनन्या अग्रवाल अब पहले से ज्यादा बेहद खूबसूरत हो चुकी है। अनन्या को 2019 में हमने तेलुगु मूवी मजली में फर्स्ट टाइम एज अ सपोर्टिंग यंग एक्ट्रेस के रोल में देखा था। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं सहारा वन के हिट शो माता की चौकी की चाइल्ड एक्ट्रेस पर, जहां एक्ट्रेस ऋचा मुखर्जी ने शो की लीड करेक्टर वैष्णवी के बाल रूप को दर्शाया था। शो में उनके अभिनय को हर किसी ने पसंद किया था, जिसके बाद हमने ऋचा को स्टार प्लस के महाभारत में एज अ टीन एक्ट्रेस उत्तरा के रोल में देखा था। इस सीरियल में उनके किरदार को बेहद ही पसंद किया गया था। ऋचा आज भी टेलीविजन इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और अक्सर कई सीरियल्स में देखी जाती है। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं लाइफ ओके की सुपर हिट शो देवों के देव महादेव की चाइल्ड एक्ट्रेसेस पर, जहां टेलीविजन की तीन पॉपुलर यंग एक्ट्रेसेस ने एज अ चाइल्ड एक्ट्रेस काम किया था, जिनमें से पहली थी एक्ट्रेस अनुष्का सेन, जिन्होंने सीरियल में देवी पार्वती के बाल रूप को दर्शाया था। इस शो में दर्शकों ने अनुष्का को पार्वती माँ के बाल रूप में काफ़ी ज़्यादा नोटिस और पसंद किया था, जिन्हें बाद में एक्ट्रेस सुनारिका भदौरिया ने रिप्लेस किया था। आज के समय पर अनुष्का सेन बेहद ही पॉपुलर है। इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में उनकी काफ़ी अच्छी फैन फॉलोइंग है। उन्होंने कलर्स के शो मणिकर्णिका से एज अ यंग लीडिंग एक्ट्रेस अपने करियर की शुरुआत की, जिसके बाद हमने उन्हें कई म्यूजिक वीडियोस में भी देखा। इसी शो में दूसरी पॉपुलर एक्ट्रेस जिन्हें हमने चाइल्ड करेक्टर में देखा था, वो थी एक्ट्रेस अश्नूर कौर, जिन्होंने शो में शिव और पार्वती की पुत्री अशोक सुंदरी के बाल रूप को दर्शाया था, जिसके बाद हमने अश्नूर को 2013 में एक अन्य पॉपुलर माइथोलॉजिकल शो स्टार प्लस की महाभारत में देखा था, जहां उन्होंने दुसाला के बाल किरदार का अभिनय किया था। आज अश्नूर पहले से ज़्यादा खूबसूरत और यंग हो चुकी है। वो सोनी टीवी के शो पटियाला बेब्स में एज अ लीड एक्ट्रेस मिनी के किरदार से दर्शकों के दिलों को जीतने में कामयाब रही। शो में उनकी और सौरभ राज जैन की मिनी और नील की जोड़ी को दर्शकों ने बेहद ही पसंद किया। और अब आते हैं इसी शो की तीसरी पॉपुलर एक्ट्रेस, जो कि है रीम समीर शेख, जिन्हें शो में देवी मनसा के बाल रूप के किरदार में दिखाया गया था। शो में उन्हें रिप्लेस किया था एक्ट्रेस कृतिका सेंगर ने, जिसके बाद वो नजर आई संकट मोचन महाबली हनुमान सीरियल में देवी वनदेवी के किरदार में। पर एज अ यंग लीडिंग एक्ट्रेस उन्हें पहली बार जीटीवी के पॉपुलर शो तुझसे है राबता में देखा गया, जिसके बाद वो घर घर में कल्याणी के किरदार से लोकप्रिय हो गई और आज वो टीवी की कई पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक है। तो दोस्तों, यह है आज के समय की यंग पॉपुलर एक्ट्रेसेस की लिस्ट, जो कि पहले कई पॉपुलर माइथोलॉजिकल शोज में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट हिस्सा रह चुकी है। तो दोस्तों, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आपको कौन सी यंग एक्ट्रेस का चाइल्ड करेक्टर सबसे ज़्यादा पसंद आया। इसी के साथ हम अपना ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।